We are the backbone of events. We make this happen. We've been kicked down, but we will get back up. Our focus is razor sharp. The show must go on. Events are where communities celebrate and people need community. We will be ready. Today, the arena is empty, but it will be full again, and we will be ready. It's quiet now, but it will be loud again, and we will be ready. It's dark today, but there will be light again. We will return, stronger than ever, recentered, reconnected, redefined. This is temporary. We will overcome. Live, a platform to sharing your thoughts. Happy Event Managers Day to all of you. और मुझे बहुत अच्छा लगा कि आज आशीष जी ने इतना अच्छा प्रोग्राम हमारे लिए ये ऑर्गेनाइज किया है और स्पेशली तुम्हारे साथ रुचिता, थैंक यू सो मच. और मैं ये बोलना चाहूंगी आज सभी को कि इवेंट लाइन में मतलब पहली बात तो ये है कि एज ए लेडी कि मुझे बहुत प्राउड है कि मैं इवेंट मैनेजर हूँ. देन मैं आज के दिन यही कहना चाहूंगी कि अभी जो इतना ज्यादा कोरोना के प्रकोप से सब लोग उभरे भी नहीं है अच्छे से, जितने लोग थे, जितने अच्छी अच्छी फैमिलीज थी, इवन अपने भी क्लाइंट्स जिनकी फैमिली में कई लोग चले गए, जो लोग हैं भी और कई लोग चले गए, तो उनको उभरना भी बड़ा मुश्किल है. बट हमको पता है, ठीक है, धीरे धीरे ये समय चला जाएगा. हाँ, नया आने वाला समय है जो इवेंटर्स के लिए स्पेशली मुझे लगता है कि वो बहुत एकदम बूम होगा, क्योंकि जितनी वेडिंग सबकी कैंसिल हुई है, एज ए पोस्टपोन हुई है, वो आगे शिफ्ट होगी नवंबर में, तो सब इवेंट मैनेजर्स के लिए अच्छा रहेगा. और मेरी बेस्ट विशेष सबके साथ है कि सबके लिए धूमधड़ाका वाला सीजन हो जिसमें हाँ बैक टू बैक वर्क और सब बिजी हो. मतलब पिछले दो साल में हमने जितनी होली दिवाली और रक्षाबंधन सब कुछ मिक्स किया है, वो मिस किया है ना, सो वो सारे इवेंट्स को हम लोग सारे ये जितने भी नया सीजन आने वाला है उसमें सब लोग हम लोग सेलिब्रेट करने वाले हैं. तो चलिए आज के सेशन को शुरू करते हैं सुमन रैना मैम के साथ. एंड मेरा पहला क्वेश्चन है मैम आपसे, क्योंकि मैंने इन्हें ऑन स्पॉट बहुत देखा है और जो इनका मैनेजमेंट पावर है ना वो बड़ा ही स्ट्रांग रहता है, तो सुमन मैम आप मुझे बताएं कि ऐसा कौन सा इवेंट था जिसमें आपके खुद के स्टाफ ने, जो आपके खुद के एम्प्लॉय हैं, मैं एम्प्लॉय भी नहीं कहूंगी, आपके खुद के मिलसार फैमिली ने बोला सुमन मैम बस और नहीं. मुझे तो लगता है एवरी इवेंट इज अ चैलेंज. मे बी आई एम इनटू दिस इंडस्ट्री आई थिंक मोर देन 25 years, वी कंप्लीटेड आवर 25 years. तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी ऐसा इवेंट होता है जो चैलेंज के बिना आता है, पहली चीज. एंड सेकेंड थिंग, स्टाफ हमेशा चाहता है कि उसके जो ओनर्स हो या उनका हेड ऑफ द फैमिली हो वो बेस्ट टू बेस्ट क्लाइंट को करके दे, और वो खुद भी बहुत अच्छा सीखते हैं इससे. तो उन्होंने ये तो कभी नहीं बोला बस सुमन मैम, लेकिन ये जरूर है कि हर इवेंट को सक्सेसफुल बनाने के लिए टीम वर्क की जरूरत होती है. एंड आई एम वेरी लकी टू हैव अ गुड टीम विद मी, स्टिल दे आर वर्किंग विद द ग्रेस ऑफ गॉड. वी आर कॉन्टिन्यूसली डूइंग स्मॉल स्मॉल इवेंट. डेफिनेटली वो और तो नहीं रहा इस जो हमने सिचुएशन अभी हमने फेस की है, बट माई टीम इज वेरी चैलेंजिंग एंड स्टिल दे आर वर्किंग स्मॉल बिग बीटीएल वट एवर दे आर डूइंग इट, दे आर स्टिल डूइंग इट. बट ये है कि एवरी इवेंट इज अ चैलेंजिंग इवेंट, यू कीप ऑन रोलिंग एंड रोलिंग एंड देयर इज नो बस टू एनीथिंग एल्स. ट्रू, सो आई एग्री विद दिस, क्योंकि यहाँ अगर बस वाला शब्द आ जाता है तो दैट मीन्स के या तो सीखने वाली लगन कम हो चुकी है या फिर बस अब अपने अपने सुमन मैम से हमें कोई शिकायत या कोई डांट नहीं सुननी है. ऑलराइट, सो नेक्स्ट टू शोभना मैम. शोभना मैम, मैंने आपको जब भी साइट पर देखा है वेरी काम, वेरी साइलेंट, मतलब एकदम बस या तो आप ऑब्जर्व कर रही होती हैं कि वो इवेंट का डेकोर कितना
सही तरीके से चल रहा है या फिर आपके मन में कुछ और चल रहा होता है, तो वो जो मन में चल रहा होता है ना इवेंट के वक्त, वो आज हमें जानना है। लिटरली जब भी मैं साइट पर रहती हूँ, आपने बिल्कुल ठीक बोला, काम रहती हूँ, बट उस समय मैं ये ऑब्जर्व कर रही होती हूँ कि जो जो काम जिस तरह से मैंने सोचा है वो उस तरह से हो रहा है या नहीं। मैं सिर्फ वहां सिर्फ यू नो जो भी लूप होल्स होते हैं वो मैं देखती रहती हूँ, बिकॉज बाकी जो जो ठीक से हो रहा है वो तो दिख रहा है सबको, बट लूप होल्स जो बारीकियां होती है वो हमको ही देख सकती है, क्योंकि एक तो हम क्रिएटिव लाइन में है, तो जिस तरह से मैंने जो डिजाइन किया है वो डिजाइन एज इट इज उस तरह से आ रही है या नहीं, तो वो बारीकियां मैं देखती हूँ उस समय। Very nice. तो उससे क्या होता है ना कि देन यू कैन गिव द परफेक्ट शेप व्हाट यू हैव कमिटेड टू द क्लाइंट। ट्रू, बिकॉज रेस्ट ऑफ द या एंड द रेस्ट ऑफ द जो भी स्टाफ और यू नो आवर टीम और हूसोएवर द वेंडर्स, you have just ordered them a specific thing and they are going to put it there, but how is it going to be placed, that only we can see whoever is the designer, so that's the thing. Perfect. So aate hain agli bari hai Priyanka ma'am ki. Priyanka ma'am, aap hume bataye aapki life mein ab tak ka koi aisa event jo bahut hi challenging raha ho. Waise to सुमन मैम ने कहा है कि हर इवेंट हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग रहता है, लेकिन आप तीनों के फेस पे जो स्माइल मैं अभी भी बरकरार देख रही हूँ ना, मुझे लगता नहीं है कि आप लोग के लिए कोई भी इवेंट चैलेंजिंग रहता होगा, क्योंकि स्माइलिंग फेस से आप सारे चैलेंजेस दूर कर देते होंगे। तो प्रियंका मैम, आपकी तरफ से हमें बताएं कि अब तक का कोई ऐसा इवेंट जो बहुत ही चैलेंजिंग रहा हो। एक्चुअली वैसे चैलेंजिंग तो सारे इवेंट ही होते हैं, जैसे सुमन मैम ने कहा तो बिल्कुल सही कहा, बट कुछ इवेंट्स ऐसे होते हैं कि जहां लगता है कि हाँ यहाँ बारिश बिल्कुल नहीं होने वाली है और वहां हो जाती है वो मोर चैलेंजिंग हो जाता है, बिकॉज ऑफ वहां अपनी प्लानिंग ये होती है कि हाँ कैसे क्या। एक इवेंट था गोल्ड पैलेस में और वो भी टाइम था समथिंग जुलाई का, यही टाइम था बारिश वगैरह का, क्लाइंट ने कहा था कि नहीं होगी, श्योर हूँ, ये है वो है, तो क्या होता है कि हम भी श्योर होते कि हाँ यार होता है या नहीं होता है, ठीक है वेदर फॉरकास्ट हम देखते हैं, ठीक है, बट लिटरली बारिश हो गई थी। बारात आने वाली थी 7 बजे, 4 बजे बारिश हो गई, पूरा जितना भी इवेंट था वो पूरा एक तरह से स्पॉइल हो गया था कि हाँ पूरा विद इन 2 घंटे के अंदर जो सेटअप जमाया है एज इट इज, मतलब कोई कह नहीं सकता कि इस जगह इतनी तगड़ी बारिश हुई थी लिटरली, तो मतलब सब शॉक थे कि इतना जल्दी हमारी टीम ने और हमने जो जैसे जैसे मैनेज किया, तो बिल्कुल एकदम बहुत अच्छा रहा। बाकी कई बार ऐसे भी होता है कि जहाँ बारिश हो गई और बारिश को रोकना है, तो कुछ चीजें ऐसी भी टिप्स है हमारे पास कि ठीक है चुटकियों में बारिश रुक जाए और लिटरली लोग रुक भी जाते हैं, ऐसा भी होता है। तो ऐसे कई चैलेंज रहते हैं और ऐसा होता है कि ठीक है फेस टू फेस तो क्लाइंट से बात करनी होती है, ठीक है हाँ जी हाँ हाँ बहुत अच्छा है सब ठीक है, अपने को पता होता है कि हो क्या रहा है एक्चुअली में, बाकी सब चीज तो हाँ बाकी भगवान की मर्जी से सब चीज फेस करना है ऑब्वियसली। हाँ सो फेस करते करते हम लोग बहुत सारी चीजों को यूं ही ब्यूटीफुल और यूं ही वंडरफुल बनाते जाते हैं। सो अगला मेरा क्वेश्चन ये है कि जितने भी सारे चैलेंजेस आप सब के सामने आते हैं उनको एक साइड रखकर जब आप लोग अब ऐसे दौर से गुजर रहे हैं, मतलब इवेंट मैनेजर्स आर एट होम, हम लोग भी आर्टिस्ट जो घर पर बैठे हैं, हमें भी बेसब्री से इंतजार है कि इवेंट्स हमारे शुरू हो और हम फिर से अपनी अपनी जिंदगी को फिर से जिए स्टेज पर जाकर। सुमन मैम, आप जैसे हमारे पैंडेमिक का दौर खत्म होगा, सबसे पहला क्या चीज करने वाली है अपने अपने इवेंट्स और अपने शोज के लिए प्लानिंग को लेकर? देखिए सबसे पहले वी नीड टू अंडरस्टैंड कि इस पूरे एटमॉस्फेयर ने हमें ये चीज तो सिखा दी कि इफ यू आर हेल्दी यू आर देयर इनटू द इवेंट और एनी अदर बिजनेस, राइट। तो सबसे पहले तो ये हमें इस चीज को ध्यान में रखना है कि इवेंट विद प्रॉपर डिसिप्लिन, जो शायद हम लोगों ने भी कभी देखा नहीं है ऐसा डिसिप्लिन, यानी कि वी वर नॉट श्योर अबाउट द हाइजीन पार्ट, द हेल्दी पार्ट, वी यूज्ड टू डू द इवेंट, क्योंकि हम लोग जब इवेंट करते थे बड़े क्राइसिस मैनेजमेंट में करते हैं, बहुत हमने कभी शायद इतना ध्यान नहीं दिया कि भाई आपको कैसे अपने एक सिस्टम को फॉलो करना है, कैसे आपको प्रॉन्स एंड कॉज आ सके, इस पूरे हमें इस
दौरान इस जो ये हमारा ये 1.5-2 साल निकला है, हमें स्टडी करने का बहुत मौका मिला है कि हाउ टू गो अबाउट द इवेंट नाउ, बिकॉज इवेंट इंडस्ट्री सबसे ज्यादा इफेक्टिव हुई है इस दौरान. एनी बिजनेस हु इज डीलिंग विद द लग्जरी, हु इज डीलिंग विद द सर्विसेज दैट इज देयर, चाहे वो रेस्टोरेंट बिजनेस, होटल, टूर्स एंड ट्रेवल्स, इवेंट मैनेजमेंट, राइट, सबको ये चीज बहुत जरूरी समझने की जरूरत है कि सबसे पहले अपने आप को ऑर्गेनाइज करो. और सबसे पहले ये नहीं कि काम आया, काम पकड़ा, काम पकड़ा, काम पकड़ा, काम पकड़ा, और पता चले फिर हम काम में कोलैप्स हो गए, जो हमने पिछले सीजन में भी देख लिया. जब पिछले सीजन में एक गैप आया, हम फिर वहीं शुरू हो गए. जी यार क्या होता है, 100 जनों की शादी, 500 जनों की शादी कर लो, 800 जनों की शादी करो, निपट जाएगी. एंड वी फेस सर्टन प्रॉब्लम्स ऑल्सो. इट इज नॉट ओनली मैरिज, इट इज ऑल अदर इवेंट्स ऑल्सो. मैं तो एक चीज ये सिखाना चाहूंगी अपने एक्सपीरियंस से कि जब हमारा ये टाइम अच्छा आएगा, डेफिनेटली टाइम तो अच्छा आएगा, हर लाइफ में ये टाइम आता है, ये टाइम आ गया, हमने देख लिया, हम नहीं चाहते फ्यूचर जनरेशन ये देखे, तो डेफिनेटली हमारा टाइम अच्छा आएगा. लेकिन हमें इस चीज का ध्यान रखना है, हमें और डिसिप्लिन रहना है, और हमें पर्टिकुलर रहना है, और इवन इंडस्ट्री को जिंदा रखने के लिए हमें कुछ प्रिंसिपल्स बनाने पड़ेंगे. हाउ टू गो विद द इवेंट्स, प्लीज डोंट गेट ग्रीडी, प्लीज डोंट गेट बिजी इन मेकिंग द मनी. Have a balance between to a good event and an event which really doesn't affect in future when it come to the close. So be very sensible. और जैसे आपने मुझसे पर्सनली पूछा आप क्या सोच रही हैं जब ये खुलेगा तो आप क्या करेंगी, सबसे पहले मैं ये सोचूंगी कि मैं, क्योंकि हमने अपने स्टाफ को नहीं निकाला, स्टाफ को अपने साथ रखा है, जो बड़ा मुश्किल था, सॉरी टू से, जिन्होंने अगर निकाला भी, आई एम नॉट क्रिटिसाइजिंग देम, क्योंकि ये बहुत मुश्किल था. 2 साल हमने कोई काम ना करते अपने स्टाफ को. सबसे पहले हमें उन बच्चों को, जिन इवेंट मैनेजर ने अगर छोड़ भी दिया है, हमें उनको वापस से, हमें इंडस्ट्री को वापस से जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि इंडस्ट्री तो बिखरी है, वेंडर्स के साथ कनेक्शन बिखरा है, लोगों के साथ मिलना जुलना बिखरा है, नई जो पॉसिबिलिटीज है उनको जनरेट करना है. लॉट ऑफ, इट्स नॉट ओनली गेटिंग द क्लाइंट एंड डूइंग द इवेंट, इट्स गेटिंग, यू हैव टू स्टार्ट फ्रॉम zero but with a positive approach. If your approach is positive, you are going to win the race. Maybe you may get 10, you will come to 100. This is a time taking process. It will take at least a year to come back to that situation jahan pe aapne choda tha, at least in my case. Suman ma'am ne kaha we have to start from zero, but is baar hamare sath experience bhi count hoga. To Shobhna ma'am, jis experience ke sath hum zindagi mein is muqam tak pahunche hain, आप क्या शेयर करना चाहेंगे जब इस पैंडेमिक के दौर को हम खत्म करेंगे और फिर से हमारे जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करेंगे? देखिए, इसमें सबसे पहले जो प्लानिंग जो चल रही है अभी दिमाग में, कि फर्स्ट ऑफ ऑल मैं हमेशा अभी भी आई एम इन टच विद ऑल ऑफ माय स्टाफ जो अभी घर पर है या गांव पे है, उनकी जो भी जरूरत है, हम जैसे भी हो वी आर ट्राइंग टू यू नो उनको वो सब चीजें दे सकते. Yes, एंड उनके वैक्सीनेशन के बारे भी मैं पूछती रहती हूँ कि इधर यू कम ओवर, यहाँ करवा देंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हेल्थ स्टैंडर्ड्स, अगर सपोज अभी आपको कोई इवेंट भी मिले तो यू नो एज सुमन जी सिंह डोंट जस्ट नीड टू रश ऑफ कि नहीं ये करना है, पहले जो वेन्यू है वो हाइजीनिकली मेंटेन्ड, सैनिटाइजेशन है या नहीं, क्योंकि अब जब नवंबर में भी हमने किया और उससे पहले मैंने लॉकडाउन में आई जस्ट स्टार्टेड विद द सैनिटाइजेशन वेंचर एंड विद ऑल द आई हैव स्टार्टेड विद माइक्रोजन, तो उसके सारे जो होते हैं ना एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, उसके साथ हम खुद पर्सनली बोलते हैं अपने क्लाइंट को कि वी आर गोइंग टू सैनिटाइज, उसका हम आपसे कोई चार्ज नहीं लेंगे. बिकॉज इसमें क्या होता है कि आपकी भी सेफ्टी है, आपके एम्प्लॉयज की भी सेफ्टी है और क्लाइंट की भी सेफ्टी है और जो गेस्ट आ रहे हैं उनकी भी सेफ्टी है. तो ये हमारा फर्स्ट मेजर पॉइंट है जिसको हम अभी देख रहे हैं. उसके बाद देन कम्स यू नो द रेस्ट ऑफ द थिंग्स. ओके, नाउ वी हैव टू गो फॉर समथिंग नॉट वेरी ग्रैंड, यू नो द सेटअप शुड बी स्मॉल. किस तरह से अगर हमारे पास कोई 50 लोगों के लिए भी आता है, वी आर नॉट द वंस की नहीं भाई 50 की हमको नहीं करनी. एक्चुअली हमारे क्लाइंट्स है, आज उनके भी प्रॉब्लम है, they have to you know shrink their budgets. तो वो सब चीजें भी हम देख रहे हैं कि 50 में भी रेडी है और 500 में भी रेडी है. तो हमें ये लग रहा है कि जो अभी मेरा जो आगे भी लोगों के लिए, मतलब यही कहना चाहते हैं कि you should be prepared, क्योंकि nevertheless सब लोगों के नुकसान बहुत हुआ है, चाहे वो अपने वेंडर्स हो, चाहे वो अपने employees हो, चाहे अपन खुद हो. तो अब रेडी होना चाहिए कि वेंडर्स को भी हाँ भाई इतना काम है, they all are ready to do. ये मैंने देख लिया नवंबर में. अगर सपोज उनको बोलते हैं कि नहीं इतने का ही काम है, बोले हाँ ठीक है मैडम कर लेंगे,
obviously हाँ so that's the zeal and enthusiasm again perfect so सुमन मैम से जाना हमने शोभना मैम से जाना हमने के क्योंकि आज के हमारे इस लाइव चैट शो का एक थीम भी था कि क्या क्रिएटिविटी लेडीज लेकर आती है इवेंट मैनेजमेंट में. तो ये क्रिएटिविटी मैंने देख ली है कि जहां पर आप अपने स्वास्थ्य को लेकर अपनी हेल्थ को लेकर और ऑब्वियसली अपनी वेंडर्स और अपने जितना भी स्टाफ मेंबर सबको लेकर आप लोग बहुत ज्यादा सोच रहे हैं. सो प्रियंका मैम मैं आपसे जानना चाहूंगी कि क्या यही क्राइटेरिया आप रखते हुए नेक्स्ट सीजन में आप बढ़ने वाले. वैसे मैंने आपका मेन लॉकडाउन में एक वेडिंग शो किया था जिसमें आपने पूरा हर तरह का ध्यान रखा था चाहे वो सैनिटाइजेशन हो चाहे वो ग्लव्स हो चाहे मास्क हो. सो नेक्स्ट में आप क्या चीज सोच रहे हैं कि ये चीज होनी ही चाहिए. अनम्यूट अनम्यूट. हाँ मैं ये कहना चाहूंगी रुचिता जो भी प्रोटोकॉल्स आते हैं ऐसे गवर्नमेंट की तरफ से उसको तो फॉलो सब इवेंट मैनेजर्स को करना ही है हम लोग को भी करना ही है और करते आ रहे हैं. ऑब्वियसली लास्ट टाइम भी जो भी वेडिंग्स हुई ऐसे कोविड टाइम में तो वो सब फॉलो सबने किया है. देन आगे भी हम ये चाहेंगे कि नेक्स्ट जो होगा अभी अपग्रेड अभी जैसे ये सेकेंड वेव आई है और लोग बोल रहे हैं थर्ड भी आएगी फोर्थ भी आएगी उसके अकॉर्डिंग हम लोग को पूरी प्लानिंग उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी जिससे हमारे जो क्लाइंट्स है वो परेशान भी ना हो क्योंकि एक्चुअली क्या है वैसे ही क्लाइंट्स जितने भी मतलब हमारे एज ए ग्रूम ब्राइड्स थे उन लोग का वैसे ये माइंड अपसेट हो गया कि यार हमारी वेडिंग पोस्टपोन हो गई आगे क्या होगा क्या नहीं होगा होगी भी या नहीं होगी मतलब किसी को सिचुएशन का कोई पता नहीं था. बट हाँ ये अब ये है कि नवंबर में अपनी जो वेडिंग्स हम प्लान कर रहे हैं इसी के अकॉर्डिंग जैसा हमने लास्ट टाइम किया वैसा अब करेंगे एज ए क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग. हाँ ठीक है एज ए बिग इवेंट्स तो नहीं होंगे छोटे जैसे शोभना दी ने कहा है कि हाँ यार 50 दिनों की वेडिंग हो या 500 की वेडिंग हाँ, उसके अकॉर्डिंग हम प्लान करेंगे. और हाँ मैं एक बात और कहना चाहूंगी जहां इवेंट मैनेजर एज ए लेडी हो तो सोचने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि सारी लेडी एज ए अपने आप में आर्टिस्टिक होती है. हर लेडी का अपने आप में एक टैलेंट छुपा होता है तो वो कब दिखता है वो अपने प्रोफेशन में दिखता है जब वो साइड पे होती है. सबके अपने अपने टैलेंट अपने अपने प्रोफेशन में दिखते हैं कि हाँ हम क्या कर सकते हैं. ट्रू ट्रू वेरी नाइस. सो क्योंकि यहाँ पर अगर क्रिएटिविटी की बात की जाए तो वो सब चीजों का आप लोग ध्यान रख रहे हैं. देर इज नो डाउट जब आप लोग एक इवेंट करते हैं और फैमिली के साथ फैमिली मेंबर की तरह ही हो जाते हैं वो अपने फैमिली को बाद में पूछते हैं पहले आप लोगों से राय लेते हैं कि हमें क्या करना है आगे. सो मैं यही जानना चाहूंगी शोभना मैम आपसे क्या इन जो मंथ में या उससे लास्ट मंथ में जो वेडिंग्स कैंसिल हुई क्या उनकी आपने आगे मीटिंग्स सेट की हुई है या फिर वो सारे क्लाइंट्स जो आपके हैं जो वेडिंग्स करना चाह रहे हैं नेक्स्ट सीजन में क्या वो ऑलरेडी आपसे एडवाइस ले चुके हैं. हाँ काफी ने एडवाइस लिया है क्या करना चाहिए अभी और जिनके कुछ प्रॉब्लम्स है कि जो यू नो दे डोंट वांट टू कंटिन्यू कि नहीं भाई पता नहीं होगी या नहीं. सो वी आर सजेस्टिंग देम गो फॉर अ वेडिंग वर्चुअल कर लो. अगर 11 लोगों के भी लोग ने वेडिंग की अभी क्योंकि वो करनी थी बाकी हमने यही सजेस्ट किया कि लेट्स वेट अगर आप वेट कर सकते हैं तो वी कैन गो टू नेक्स्ट ईयर और नवंबर दिसंबर. तो हमने जो भी जेन्युइन जो हमें लगा हमने वो एडवाइस दी थी. वेरी नाइस. क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि क्लाइंट खुद भी इतने ज्यादा डाउटफुल रहते हैं कि हमें वो चीज करनी है या नहीं. और उस पर आप अपने बिजनेस का ना देखकर उनको एक सही एडवाइस देते हैं तो कहीं ना कहीं एक जगह आप ऑलरेडी बना चुके हैं उनके फैमिली. सुमन मैम मैंने अभी अर्शद सर का थोड़ी देर पहले लाइव सेशन देखा. यूरोप जून में लॉकडाउन फ्री हो रहा है और जैसा जिंदगी हम लोग पहले जी रहे थे मास्क फ्री एवरीथिंग इज गोइंग टू बी फ्री वेरी सून. और जहां तक मैंने देखा उस लाइव सेशन को कि इवेंट्स भी शुरू होने जा रहे हैं तो मुझे एक चीज बस आपसे जाननी है जब हम सुनेंगे इंडिया इज कोविड फ्री नाउ तो अब कैसा आपको फील होने वाला है जब. It is very exciting. Abhi, there is a friend of mine, she is in America. She called me up ki saying, ki, yaar, we are having a mask-free life now. Like, wow, what a great news. They are already, their kids are going to the school, they are having clubbing, they are having parties, they are enjoying their life. They come to back to the, her husband is running a departmental store. He is having a departmental store there. So everything is cool there. We know we are a big country.
population wise, size wise. It will take time for us to organize it, whether it's the village side or the civil side. So we are going to take time. Let's be very practical कि हमें मास्क फ्री बनने में तो टाइम लगेगा और हमें उस बैक टू द उस लाइफ में जाने में जो हम छोड़े थे टू इयर्स बैक जब ये शुरू हुआ था उस लाइफ में जाने में वी विल टेक आर ओन टाइम. डेफिनेटली शुरू तो हो जाएगा, जैसे पिछले साल भी जब ये खत्म हुआ लोग आई एम हैविंग अ रेस्टोरेंट ऑल्सो वो भी चलने लग गया था और इवेंट्स भी हमने खूब सारे किए एंड वी डिड द बिकॉज आई एम नॉट ओनली इन टू वेडिंग वी डू द कॉर्पोरेट्स वी डू द बीच एक्टिवेशन ऑल्सो सो वी स्टार्टेड एवरीथिंग. हमारी वेडिंग्स भी हुई, हमारे बाकी सारे इवेंट्स भी हुए. समझने वाली ये बात है कि जब हम इस चीज से निकल के भी आएंगे ये एक हर साल का, जैसे वो कहते थे ना कि भाई जब वो पोलियो के टीके लगाओ ये लगाओ डेंगू 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 फिर एक टाइम आया कि अब डेंगू एक साल का एक फंक्शन ही बन गया कि भाई अब डेंगू आ गया डेंगू का महीना हो गया तो वो एक पार्ट ऑफ द लाइफ बन जाएगा हमारे. सेम शायद मास्क को उतारने में हमें वक्त लगेगा लेकिन हमारा लाइफ स्टाइल तो सबका चेंज हो ही जाएगा. जैसे एक छोटी सी बात है, कल मेरे मैसेज आता है क्लाइंट का कि मैम प्लीज सजेस्ट अ होटल टू मी बिकॉज वी आर प्लानिंग टू हैव अ वेडिंग इन 2022 नेक्स्ट ईयर फेब में. और उसने अभी से एक कैटेगरी लिख दिया कि 100 पीपल गेस्ट. ये मान के चलो कि जो जनवरी फेब की शादी भी प्लान कर रहा है वो अभी से सोच रहा है 100 से ऊपर तो मुझे बुलाना नहीं, because client is also scared. Yeah. I was very much surprised कि हम pre-assumption उसने कर लिया, तो I was thinking, तो यानी हमारा वो सपना ही रह जाएगा जब हम 800,000 लोगों की शादी करते थे. Definitely a event manager needs a crowd क्योंकि budgeting तभी मजा आता है कि we give so much of effort. हमें 50 में भी उतनी मेहनत करनी है और 500 में भी उतनी मेहनत करनी है. But definitely seeing the situation, seeing the client's requirement, we can't imagine of 500 people at one go. क्योंकि जो 2020 की भी calls हैं, उनकी भी requirement ये यारे 100 लोग. They are thinking, not they are finalized. They are just thinking कि 100 people. और clients, corporate clients, ma'am, dealers meet. I think आप 10-10 की ले लेते हैं. Definitely आप सोचिए 10-10 dealers meet क्या होगी? तो everything will come to action. It will take good time. We need to have good patience. We need to have a good planning so that we don't starve. हम अपने business को एक balance तरीके से चला के चले. We have to be very calculative. We can't go to that aura. It will take at least, in my experience, it will take 1-2 years more to come to that aura जो हम छोड़ के आए हैं. But definitely हम बेहतर तो हो जाएंगे. बेहतर तो होंगे. बिल्कुल होंगे. So as an artist, मुझे लगता है मेरी duty है कि सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आए. तो मिसेस प्रियंका नितिन दुबे, आपसे थोड़ा लिंक से हटकर मैं क्वेश्चन करने वाली हूँ. आपको विवान को कितना टाइम लगने वाला है मोबाइल से छुड़ाने में? इम्पॉसिबल. अब लोग अभी का तो ये सिचुएशन है, इवन ठीक है मेरे चाइल्ड का नहीं, मैं अदरवाइज सारी मदर्स के लिए बोलना चाहूंगी कि एक भी बच्चा ऐसा नहीं होगा जो ऑनलाइन क्लासेस से दूर होगा और उसके पास मोबाइल नहीं होगा. मतलब लिटरली मैं जाती हूँ सामने, समझ में आता है कि हाँ ऑनलाइन कर रहा है, ऑनलाइन कर रहा है, देखती हूँ तो हाँ उसका गेम ऑन हो जाता है. मतलब जैसे ही ये हुआ तो गेम ऑन. तो भाई बहुत मुश्किल है ये सब अब दूर करवाना, मतलब बहुत ज्यादा मुश्किल है. या वैसे हम सब बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं कि नेक्स्ट सीजन की शुरुआत हो. सो बस आप तीनों से सेम क्वेश्चन है मैं पूछना चाहूंगी, बल्कि जितने ऑडियंस हमें देख रहे हैं वो सब जानना चाहती है कि नेक्स्ट जो सीजन आने वाला है, या यू बात कर ली जाए कि आफ्टर दिस सेकेंड वेव जो हम इवेंट शुरू करेंगे उसमें क्या चैलेंजिंग होने वाला है आप सबके लिए? सुमन मैम सबसे पहले आपसे. मैम सबसे पहले चैलेंज ये होने वाला है कि क्लाइंट के साथ ट्यून्ड अप होना, यानी जो एक गैप बन गया है वेंडर्स के साथ क्लाइंट के साथ उसको वापस से रीसेट करना. अपनी देखिए मैम हम ही नहीं है काम करने वाले बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारों को किसी को कम डैमेज हुआ होगा किसी को ज्यादा हुआ होगा. सबसे पहले प्लीज बी प्रिपेयर, कॉम्पिटिशन इज गोइंग टू बी मोर नाउ बिकॉज देर इज लिमिटेशन. पहले क्या होता था, अगर 100 जने काम करने वाले थे तो 1000 काम भी सामने आते थे. अब मान के चलिए अब क्लाइंट भी बहुत, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर में देखे क्लाइंट का विजन चेंज हो गया, शादियों में देखे क्लाइंट का विजन चेंज हो गया, यार इतनी इतनी बड़ी शादियां करने से कोई फायदा नहीं, लॉस ऑफ मनी, क्योंकि कई लोगों का नुकसान हुआ भी है पैसा एडवांस देने के बाद, सारा खर्चा करने के बाद. उनकी शादियां बहुत मई जून की शादियों में बहुत, देवर रियली सफरर. जो अप्रैल और मई की उनकी बुकिंग्स कैंसिलेशन हुई है, मेरी भी दो वेडिंग्स कैंसिल हुई थी.
मेरा क्वेश्चन ये जो मेरा एक्सपीरियंस कहता है कि इट इज गोइंग टू बी अ टफ टाइम बट द पर्सन हु इज गोइंग टू बी इन टू द रेस जिसमें पेशेंस होगी जिसमें डेडिकेशन होगा और जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है पॉजिटिव अप्रोच होगी कि जब कुछ भी नहीं था तब भी हम इवेंट मैनेजर थे आज फिर से हमें स्टार्ट करना है तब भी हम इवेंट मैनेजर हैं और इवेंट मैनेजर इज अ क्राइसिस मैनेजमेंट इफ यू आर अ गुड इवेंट मैनेजर यू शुड नो हाउ टू हैंडल द क्राइसिस व्हाट एवरीबॉडी इज डूइंग दैट इट्स नॉट ओनली मी एवरीबॉडी इज डूइंग द गुड जॉब लेकिन जब ये खुलेगा तब एक तूफान आएगा उस तूफान को कौन कैसे हैंडल करता है सबकी अपनी स्ट्रैटेजीज अपना सबका प्लानिंग और सबका अपना एग्जीक्यूशन होगा बट हु विल विन दैट विल टाइम विल टेल बट योर एफर्ट शुड नॉट गो डाउन योर पैशन टुवर्ड्स योर बिजनेस शुड नॉट गो डाउन कई लोग कई इवेंट मैनेजमेंट छोड़ के कुछ और करने लग गए दे गॉट डिस्टर्ब नो इट इज अ जस्ट अ लैक ऑफ थोड़ा टाइम लगेगा लेकिन आप वापस से उसी इवेंट को उसी ओरा पे देखेंगे इट्स अ जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम शुभना मैम ओवर टू यू क्या चैलेंजेस आप फेस करने वाले हैं आफ्टर द सेकंड वेव चैलेंजेस काफी होंगे क्योंकि अभी ऐसा लग रहा है कि जैसे सब कुछ बिखर गया है यू नो यू हैव टू एक्यूमुलेट थिंग्स बैक चाहे आपके वेंडर्स हो चाहे आपका स्टाफ हो सब एक एक अलग मोड में चल रहे हैं स्लीप मोड जिसको बोल सकते हैं तो सबको वापस एक्टिव मोड में लाना जरूरी है और ऐसा भी हो सकता है कि कई ऑन द स्पॉट डिसीजंस लेने पड़ेंगे जब आप एट प्रेजेंट यू नो क्योंकि वो जो बोल रहे हैं सुमन जी देयर विल बी अ लॉट ऑफ कॉम्पिटिशन दैट टाइम सो यू माइट बी हैव टू टेक एंड यू माइट हैव टू थिंक जो आप बजट एक्सपेक्ट कर रहे हो उससे काफी लो में आपको सोचना होगा एंड देन टू डिलीवर द बेस्ट बिकॉज क्लाइंट की हमेशा जो एक इमेज रहती है आपके लिए कि हाँ ये इनसे कराना है तो ये मिलेगा हमें तो वो इमेज को भी यू हैव टू डिलीवर द बेस्ट प्लस यू हैव टू टेक अ लॉट ऑफ ऑन द स्पॉट डिसीजंस आप वेट नहीं कर सकते हो कि नहीं आज नहीं कल यू नो क्लाइंट्स के पास भी इतना टाइम नहीं रहेगा बिकॉज जैसे ही खुलेगा इवन दे वॉन्ट हर चीज फाइनल करने बिकॉज वेडिंग्स अभी तो पहले तो लोग हाँ छह छह महीने से पहले बुकिंग करते थे 10 इवेंट मैनेजर्स को देखते थे लेकिन अब उनके पास भी टाइम नहीं रहेगा इतना तो जो भी है उनको एक दो जिनसे भी करवाना है एंड इवन यू हैव टू यू नो टेल देम ऑन द स्पॉट कि हाँ भाई ये हो जाए सो व्हाट आई फील वो तो एक चैलेंज है ही उसके अलावा स्टाफ वही जो स्लीप मोड और एक्टिव मोड वो वाला एक चैलेंज अलग है करेक्ट प्रियंका मैम आपके सामने क्या चैलेंजेस आने वाले हैं वैसे एज ए सीनियर सुमन मैम जो उन्होंने बोला वो करेक्ट बोला सबके साथ एक ही ये सारे एज ए इवेंट मैनेजर कि हाँ जितने भी वेंडर्स हैं उनके साथ जितने भी क्लाइंट्स हैं उनके लिए भी कि जिन क्लाइंट्स को हम लोग ने एज ए पहले जिस बजट में रेडी किया था एज ए अप्रैल और अब जाके समझ में आएगा कि हाँ नवंबर में अगर वो पोस्टपोन करके वेडिंग लेकर आ रहे हैं तो वो आधे से भी कम बजट होने वाला है करेक्ट ये तो प्रॉब्लम सबको ही आनी है और जो भी बजट क्लाइंट का होगा ऑब्वियसली उसी में हम लोग को मैनेज करना पड़ेगा अदरवाइज जिन लोगों ने एडवांस एज ए इवेंट मैनेजर जिन लोगों ने एडवांस भी ले रखा है तो उसको वैसे ही सेटल करना होगा बस हाँ ये सब चीजें फेस करनी पड़ेगी हम लोगों को अग्री सो चीजें ये होती है कि आपको वो लम्हा भी सबसे यादगार बनाना है सबसे खूबसूरत भी बनाना है और वो लाइन मुझे बहुत सही लगी जब जब हमें मेहनत 50 के लिए भी उतनी करनी है और 500 के लिए भी उतनी करनी है सो उस मेहनत में हम सब यही जानना चाहते हैं कि वो जो एक मैनेज करने का जो सारे सिस्टम होंगे क्योंकि आप इवेंट मैनेजर हैं आप चाहती हैं और आप हमेशा चाहेंगी कि मेरा ये इवेंट चाहे 100 लोगों का हो चाहे 50 का चाहे 500 का हमेशा क्लाइंट को दिमाग में रहे कि हाँ उन्होंने मेरा ये काम एकदम ऑन टाइम और मेरे बजट में कर दिया था सो बजट इशू आने वाले हैं हमें ऑब्वियसली क्योंकि आप लोगों ने ये लास्ट टाइम भी फेस किया था सो कैसे मैनेज कर पाते हैं आपने जो पहला एक्सपीरियंस लिया है आफ्टर कोविड जो फर्स्ट वेव आई थी वो जो पहला एक्सपीरियंस लिया था उसमें आप हमें बताएं कि आप लोगों ने कैसे मैनेज किया था कि चाहे शादी कम लोगों की भी हो रही हो चाहे ज्यादा की हमें एंटरटेनमेंट पार्ट में भी उतना ही देना है हमें लोगों के जितने भी वेडिंग्स हो रहे हैं कॉर्पोरेट्स हो रहे हैं उसमें भी सारी चीजें देखनी है तो वो कैसे आप लोग मैनेज किया था आपने फर्स्ट वेव में भी आफ्टर फर्स्ट वेव एक्चुअली क्या होता है रुचिका जैसे मान लो सपोज टू अगर हम लोग किसी वेडिंग के लिए एज ए डांस ट्रूप ले रहे हैं एक
एंट्री के लिए. तो क्या होता था कि डांस ट्रूप हम लेते थे 5+5, 5+6+6, तो हम लोग ने वो मिनिमाइज कर दिया, 2+2 ले लिया, 3+3 ले लिया, तो अकॉर्डिंग टू मनी उसके अकॉर्डिंग हमने सेट किया. देन जैसे अपना म्यूजिक बैंड है, म्यूजिक बैंड में पूरा बैंड आता है 7 मेंबर्स का 5 मेंबर्स का, तो उनको अपन पूरा लेस करके एज ए कराओके पे सॉन्ग पे कि हाँ मेल फीमेल सिंगर आ गए, ठीक है वो भी चल रहा है अपना. तो ऐसा नहीं लगा क्लाइंट्स को भी कि कहीं हम लोगों ने माइनस किया है. अच्छा, उनको एंटरटेनमेंट अच्छा. इतना ही मिला है कि जितना वो सोच रहे थे अकॉर्डिंग टू 50 मेंबर्स वेडिंग या 100 मेंबर्स वेडिंग. तो ऐसा ही प्लान किया था हम लोगों ने और अच्छा लगा क्लाइंट जी. सुमन मैम, जितना मैं जानती हूँ क्योंकि मैं जब तक आपसे कनेक्ट हुई हूँ तब तक मैंने आपसे आपके कॉर्पोरेट इवेंट्स बहुत होस्ट किए हैं. आई गेस आफ्टर फर्स्ट वेव मुझे कहीं डाउट है कि क्योंकि हम लोगों ने कॉर्पोरेट इवेंट होस्ट नहीं किए, सो क्या वो आपको भी फेस करना पड़ा था वेडिंग्स और कॉर्पोरेट्स में? जी रुचिका, कॉर्पोरेट इवेंट्स तो ऑलमोस्ट हमने एक भी नहीं किया उसके बाद जब से ये इशू आया, क्योंकि कॉर्पोरेट्स आर वेरी मतलब दे कांट टेक द रिस्क ऑफ देयर टीम. जी जी, कॉर्पोरेट तो बिल्कुल ऑलमोस्ट बंद हो गया था. एक्टिवेशन जरूर ऑन था, रेगुलर वी डिड गुड एक्टिवेशंस, बट कॉर्पोरेट वर टोटली क्लोज. ओके, वेडिंग की बात जहां तक है, जो आपने वेडिंग का क्वेश्चन पूछा, देखिए क्या होता है मैम कि अगर आप 500 लोगों की वेडिंग करते हैं और 50 लोगों की वेडिंग करते हैं, उतना एरिया भी छोटा हो जाता है. यू डोंट मेक अ बिग बिग हॉल्स, बिग बिग वेन्यूज, बिग बिग बैंक्वेट्स, राइट? आप क्लाइंट को समझाना एक इवेंट मैनेजर का काम होता है जी. कि भाई 100 रुपए खर्च करने हैं, उसको कितना खूबसूरती तरीके से खर्च करना, ये इवेंट मैनेजर का दिमाग होता है और जो वो सेटिस्फाई क्लाइंट को करता है. जो क्लाइंट भी अब समझने लग गया है कि हमें थोड़े में अच्छा दिखाने के लिए भी इवेंट मैनेजर चाहिए, बट वी हैव अ बजट. बजट वाज नेवर, देखिए बजट इज नॉट, देखिए हमारा परसेंटेज गिरता है. इंसान 1 लाख रुपए में 10,000 रुपए कमाता है या 10% कमाना, 5 लाख में भी 1 लाख रुपए कमाता है. पॉइंट ये है कि आपने कितना वॉल्यूम किया. अब क्या होता है कि इंसान जब बड़े प्रोजेक्ट करता है तो उसका वॉल्यूम अच्छा होता है, जब छोटे प्रोजेक्ट्स करता है तो फिर वॉल्यूम पे इफेक्ट होता है. अब कितने इवेंट्स करेंगे, अगर हम 10 जने हैं तो हम कितने इवेंट्स कर लेंगे? तो सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है आपके वॉल्यूम पे. इवेंट में कोई खास फर्क नहीं आता विद माय 25 इयर्स एक्सपीरियंस. रीजन बिहाइंड दैट, जब 50 जनों की वेडिंग करते हैं आप उसको भी खूबसूरत एक हॉल में कर देते हैं. जैसे यू डू ए बर्थडे पार्टी, आप बर्थडे पार्टी में 25 लोग बुलाते हैं तो कितना ब्यूटीफुल करते हैं, और वैसे शादी में भी आप ब्यूटीफुल कर सकते हैं. डेफिनेटली आप एंटरटेनमेंट है, एंकर्स है, आज आप ब्रांड नहीं लेंगे. आज अब हमें रुचिका मैम एफोर्ड नहीं कर सकते, हम तो रुचिका मैम नहीं एफोर्ड करेंगे भाई, हमारे पास बजट नहीं है, बिकॉज ही इज अ ब्रांड. तो विल कॉम्प्रोमाइज विद अ न्यू कमर, डेफिनेटली दैट कॉम्प्रोमाइज हैज टू बी देयर, एंड अ क्लाइंट इज रेडी टू डू दैट कॉम्प्रोमाइज बिकॉज ही डजंट वॉन्ट टू पे मच. तो इट इज नॉट गोइंग टू इफेक्ट द इवेंट, बट डेफिनेटली जितने खर्चे हम लोगों ने पाल रखे हैं, जितना स्टाफिंग हम करते हैं, जितना आज हम 2 साल से अपनी जेब से खिला रहे हैं सारे बच्चों को, तो हमें वॉल्यूम तो चाहिए बाबा, हमें काम चाहिए टू सस्टेन, टू रिवाइव. और उनके घर हमारे पीछे चल रहे हैं भाई, हमने तो माशाल्लाह कमा लिया इतना कि हम तो सिर्फ दाल रोटी खाने तो 2 साल और खा लेंगे, बट हमारा स्टाफ तो आपको देख के ही बड़ा है. कि आज मेरा स्टाफ 20-20 साल पुराना है, 20 years back. इफ आई टेल देम कि get out of the office and stay back home because there is no work, they will collapse. Yeah. They have compromised with us. They are taking the basic salaries. They have stopped their luxuries. जो बच्चे गाड़ी में आते जाते थे वो गाड़ी में नहीं आए, उन्होंने गाड़ी stop कर दी. It is a teamwork. Event management is a teamwork. Vendors, जो vendors शायद बहुत अच्छे हमसे cost लेके जाते थे, वो compromise कर रहे हैं. Event management is a teamwork. Everybody is going to put their effort because if they want to keep into this industry life, they have to compromise at every sector, every step into the event industry. The event industry will go as much जो time लगेगा rise करने में वो तो लगेगा ही लगेगा, लेकिन सबको दाल रोटी मिलेगी अगर मेहनत से और planning से और अच्छे execution से आप काम करते हैं. जी So, execution और management की बात की जाए तो रुचिता को भी काम की नीड है मैम, तो रुचिता भी तो अपने दाल रोटी का थोड़ा प्रबंध करके रखेगी कि नहीं? मैडम अगर रुचिका मैम हमारे ब्रांड के साथ, हमारे क्लाइंट के साथ कॉम्प्रोमाइज करेंगे तो वील लव टू बी विल बी ऑनर टू टेक अ ब्रांड. अब जैसे I used to say all this कि आज आर्टिस्ट लोग भी हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज तो मैम करेंगे ही करेंगे. एवरीबडी, देखिए मैम, इट इज अ चेन सिस्टम.
रुचिका, इट्स अ चेन सिस्टम. मैं मेरा काम है काम लाना, वेंडर्स का काम है उसको काम को करना, और आर्टिस्ट लोगों का काम है उस काम को एक अच्छे एंटरटेन के साथ कमाना. अब जो मानेगा वो हमारे साथ है, जो नहीं करेगा वो दूसरे के साथ करेगा. इट इज ऑल प्लानिंग एंड एग्जीक्यूशन. ऐसा नहीं काम किया, आज रुचिका मैम है वो मेरे लिए कितने पैसे में करती है, कितने पैसे में होस्ट करती है, मेरा बजट क्या अलाउ करता है, बिकॉज वी हैव टू बी लॉयल टू ईच अदर. ऐसा नहीं है कि मैम हम कमा ले और हमारे आर्टिस्ट ना कमाए, वो चलता नहीं है मैम इस इंडस्ट्री में. इस इंडस्ट्री को रिवाइव करना था पहले भी, वही लोग आज ये सब लोग तभी काम कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर क्रिस्टल क्लियर इनटू देयर बिजनेस. जो क्रिस्टल क्लियर नहीं रहा मैम उसने कोई राइज भी नहीं किया, अच्छा. नहीं किया. आज हम बहुत खुशकिस्मत है कि हमने इतना राइज किया है कि आज हम 2 साल से अपने स्टाफ को खाना खिला पा रहे हैं. दिस इज हमें तो इवेंट, वी स्टार्टेड व्हेन देयर वाज जीरो इवेंट मैनेजर इनटू दिस इंडस्ट्री. व्हेन आई स्टार्टेड 3 इवेंट मैनेजर टोटल थे जब हमने काम किया, और हमारे पास तो पैसा ही नहीं था मैम. हमारे पास कोई पैसा नहीं था, कोई एक्सपीरियंस नहीं था, कोई डिग्री नहीं थी हमारे पास. हमारे पास एक जुनून था. तो वो जुनून अगर हमें वापस से लाना है, अगर वो जुनून है तो आप फिर से पता नहीं क्या कर लेंगे. और अगर आपके पास जुनून नहीं है तो कोई भी शक्ल देके इवेंट मैनेजर को बिजनेस नहीं देता है. उसका जुनून होता है जो उसको बिजनेस देता है. क्योंकि ये जुनून होना ही चाहिए. अभी जैसा कि मैम ने कहा कि 2 साल से हम घर बैठे हैं लेकिन हमारा स्टाफ हमारे साथ जुड़ा हुआ है, बिकॉज वी आर वर्किंग लाइक अ फैमिली. और ये जो परिवार अब जब जुड़ गया है ना, तो वहां चाहे सुमन मैम खड़े हो, चाहे प्रियंका मैम खड़े हो, चाहे शोभना मैम खड़े हो, हम सबका हाथ पकड़ने के लिए तैयार है. क्योंकि हमें इवेंट इंडस्ट्री को आगे लेकर जाना है, हमें इसे जिंदा रखना है और जिंदा दिली से आगे बढ़ते जाना है. शोभना मैम, आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं कि हम हर चीज देखते हैं, अपने स्टाफ का भी हो, अपना फैमिली का भी हो. इतने सारे चैलेंजेस ऑलरेडी आप सबके सामने ऑलरेडी आ चुके हैं, बट द थिंग इज ये चैलेंजेस के बाद भी आपके साथ कुछ ऐसी चीज इस दौरान हुई है. क्योंकि मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूंगी जो मैं चाहती हूँ कि हाँ, इस पूरे, क्योंकि सुमन मैम ने कहा कि 2 साल से हम सिर्फ अपने ऊपर ऑब्जर्वेशन रख रहे हैं, हम सीख रहे हैं, तो ऐसी क्या बेस्ट चीज है जो आपने 2 साल में सीखी और अब आप अप्लाई करने वाले कि हाँ, ये आगे जाकर मुझे उसी पाथ पर लेकर जाएगी जिससे मैंने एक मुकाम हासिल किया. इसमें एक तो ये है कि अपना पॉजिटिव अप्रोच रखना है. हाँ जी, यू नो, ऑलवेज पॉजिटिव माइंडसेट के साथ हम काम करते हैं, बट ये पॉजिटिव अप्रोच और ये जो कामनेस है उसी के साथ आगे बढ़ना. यू नो, यू शुड नॉट लूज योर मेंटल बैलेंस, क्योंकि बहुत सारी चीजें, बहुत हर्डल्स आने वाले हैं. तो अपने को पहले से ना सोचना है कि ये ऑब्स्टिकल्स आने वाले हैं, ये हर्डल्स आने वाले हैं. क्योंकि काफी लोगों ने अपने, चाहे वेंडर्स हो चाहे अपने स्टाफ हो, काफी लोगों ने बहुत कुछ खोया है इन 2 सालों में. हाँ जी, तो हमें वो सब लेकर चलना है कि किसी के भी कोई भी, चाहे वो पर्सनल प्रॉब्लम हो, वो लेकर हमें चलना है. तो मेरा ये कहना है कि अब खुद जब हम पॉजिटिव और काम रहेंगे तभी सामने वाला भी उसी तरह से काम कर सकते. करेक्ट. एंड वी आर वेरी थैंकफुल टू ऑल आवर वेंडर्स जो फर्स्ट वेव के बाद जो उनका कोऑपरेशन रहा वो बहुत अच्छा रहा. मतलब हर तरह से वो काम करने को तैयार थे. क्योंकि मैम एक तरह से वो बात एकदम सही है कि हमें अपने परिवार को भी आगे लेकर जाना है, हमें उनका भी ख्याल रखना है. आप लोगों ने 2 साल में अपने स्टाफ के साथ तो ध्यान रखा, लेकिन उनकी भी एक जिम्मेदारी है जो उनके परिवार के लिए है. राइट. सो अभी हमारे लिए, सबके लिए एक ऐसी सिचुएशन है जहां पर हम सब एक साथ, अगर देखते ना, हाथ खुले तो 5 उंगलियां, लेकिन हाथ बंद हो तो एक मुट्ठी. तो वही होता है ना कि जहां चाह वहां रहा, वहां रहा. तो जब बस यही होना चाहिए, तो अब सब कुछ हो जाए. मतलब विल ओवरकम ऑल द हर्डल्स. जी जी जी. प्रियंका जी, आपने तो मेरे में जुनून 2009 में देखा, 2009 में देखा, और उस जुनून को अब आप लोग टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं. So, amazing, congratulations, रुचिता. मैं ये बोलना चाहूंगी रुचिता के लिए, मतलब एज ए इवेंट इंडस्ट्री में, मतलब मैंने पहली ऐसी लड़की एज ए एंकर, मतलब मैं इसको नाम क्या दूं, आई डोंट नो, मैं मतलब मैं अभी ऐसा नहीं सोच सकती मैं इसको नाम क्या दूं, एज ए एक्टर, एज ए आर्टिस्ट, एज ए सिंगर, एज ए डांसर, एज ए, मतलब मल्टी टैलेंटेड गर्ल. सीरियसली, मतलब मुझे ये लगता था, मैंने फर्स्ट टाइम में जब मैं इसको मिली थी 2009 में, तो मैंने बोल दिया था, मैंने कहा रुचिता यहाँ बिल्कुल काम, मतलब तुम्हारे लायक काम नहीं है, तुम्हें मुंबई जाना चाहिए. 2009 के मेरे वर्ड थे ये. करेक्ट, आई एम करेक्ट रुचिता? हाँ हाँ, करेक्ट करेक्ट.
तो सीरियसली इसने बोला था, दीदी आप देखना, आप मुझे स्क्रीन पर देखोगे। तो मुझे बहुत खुशी हुई, अभी कुमकुम भाग्य में तुम आ रही हो और हम लोग तुम्हें देखते हैं, मजा आ जाता है। मतलब हाँ, लगता है कि हाँ When I रुचि। wanted to say something, हाँ जी, हाँ जी, very importantly रुचिका, if I have हाँ to say जी, about you, very much fascinated. इस पूरे दौर में मैंने एक चीज देखी, एज ए वुमेन आई फील प्राउड फॉर यू ऑल्सो, बिकॉज द वे यू हैव फ्रेमवर्क, योर पर्सनैलिटी इज टोटली चेंज. आई एम टोटली मेस्मराइज्ड. मुझे बहुत अच्छा लगा जब जयपुर का एक टैलेंट हम एक मुंबई के स्क्रीन पे देखते हैं. मैंने कई एंकर्स को मतलब 500 रुपए में बुक किया था. उसमें एक सबसे बड़ा जितेंद्र चावला नाम था, जो एक बहुत बड़ा नाम है. जी नितिन जी जी रॉय विद मी, आई यूज्ड टू पे 5,000 रुपीज एंड ही इज नो नो वेयर, मतलब नो नो मतलब आउट ऑफ माई रीच. सो मैंने बहुत वैसा टाइम देखा है और उन लोगों को आज मैंने बहुत सक्सेस स्टोरीज में देखा है. रुचिका, आई फील वेरी प्राउड कि एज अ वुमेन ऑफ जयपुर यू हैव टेकन द बेस्ट ऑफ योर टाइम एंड बेस्ट ऑफ योर लाइफ एंड यू आर सो मच टैलेंटेड. एंड आई एम सरप्राइज कि आई वॉज नॉट नोइंग व्हेन आई वॉज वर्किंग विद यू, आई फाइंड यू अ गुड एंकर, बिकॉज दीज वर ऑल अनकवर्ड पार्ट. मतलब आई कुडंट, आई वॉज नॉट नोइंग दैट कि यू आर सो मच मल्टी टैलेंटेड. बट मुझे बहुत अच्छा लगता है, प्लीज कीप गोइंग, बिकॉज एज अ वुमेन देर आर सो मेनी इशूज. आई नो दैट एज अ वुमेन वी हैव टू फेस सर्टन इशूज, जी बट वुमेन हु कैन सर्वाइव इन दिस इशू, शी इज फॉर मी, शी इज अ लेडी ऑफ रिस्पेक्ट. एंड आई फील वेरी ऑनर्ड दैट यू हैव कॉन्टिन्यूड आर नेम इन टू द, क्योंकि अब हम तो अलग उसमें जा रहे हैं, मतलब बहुत साल दे दिया हमने, तो मतलब 10-15 साल और काम कर लेंगे उसके बाद तो. बट योर टाइम हैज स्टार्टेड, यू आर डूइंग वेरी गुड, कॉन्ग्रेट्स. थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच. सो आज के बहुत सारे टॉपिक्स के साथ हम लोगों ने बहुत सारे चैलेंजेस जो हम हंसते खेलते हमेशा अपने परिवार के साथ मिलकर हम कंप्लीट कर ही लेंगे. देखना, ये जो दौर आया है. एक बात मैं आप लोगों से शेयर करना चाहूंगी. कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पे भी शेयर किया था कि अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा, गीता में कुछ ऐसा लिख दीजिए, जब मेरा अच्छा दौर चल रहा हो तो वो पढ़ के मुझे कभी घमंड ना हो, और जब कभी मेरा बुरा दौर चल रहा हो तो वो पढ़कर मैं खुश हो जाऊं. श्री कृष्ण ने कहा ये वक्त भी गुजर जाएगा. तो ये जो वक्त गुजर जाएगा तब भी हम एक परिवार के साथ यूं ही रहना है. एंड आई एम हैविंग गूज बम्प जब भी मैं आप लोगों से सिर्फ मिलने की एक बात ही सुनती हूँ. अर्शद सर से सुबह मैंने कहा, अर्शद सर मेरे से वो नहीं बन रहा है, आप प्लीज मुझे बना के दीजिए, मुझे आज इवेंट मैनेजर्स को कुछ तो लिखना है. तो मैं आप सबकी ऋणी हूँ, जो आप लोगों ने एक जिम्मेदारी का जो ताज बोलूंगी मैं, जिम्मेदारी का जो ताज आप लोगों ने मेरे सर पे रख दिया है ना, उसे मैं हमेशा ऐसे ही चमकाए रखूंगी. और आप सबके लिए हमेशा ऋणी रहूंगी कि आप सबने मुझे बहुत बहुत, मतलब जैसा कि सुमन मैम ने बोला, वो बहुत कम टाइम से मुझे जानते हैं, लेकिन जब उन्होंने जाना तो उन्होंने बोला यू आर अ वेरी गुड गर्ल. तो मुझे बहुत बड़ा अच्छा लगता है. एक आर्टिस्ट एक अलग अगर हम बात करें, लेकिन उससे पहले मैं एक इंसान हूँ जो आप सबसे जुड़े रहना चाहती हूँ, बस यही है. और मेरा परिवार हमेशा हंसता खेलता रहे. आप सभी इवेंट मैनेजर्स बहुत तरक्की करें जब ये पैंडेमिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि आप सबके मुस्कुराते चेहरे हमें जान दे सकते हैं. बस तो नाइस. ओके जी, थैंक यू सो मच. आई थिंक वी आर थैंक यू क्लोजिंग सो मच. ऑफ. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, एंड हैप्पी इवेंट एंड मैनेजर्स डे. एंड आई फील प्राउड टू बी अ इवेंट मैनेजर, एंड आई वांट लेडीज टू कम मोर इन फ्रंट ऑफ दिस लाइन, बिकॉज दिस लाइन इज इनकम्प्लीट विदाउट अ लेडी. बिकॉज व्हाट लेडी कैन डू, आई डोंट से कि मेंस कैन नॉट डू, मेंस आर वंडरफुल, बट व्हाट द फीमेल कैन डू, दैट इज अ वेरी, यू कैन से डिफिकल्ट, बट एक खूबसूरती आ जाती है जब मैं, व्हेन आई सी अ लेडी एंकर, लेडी इवेंट मैनेजर, लेडी आर्टिस्ट ऑन फ्लोर, दैट गिव्स ग्रेस टू द इवेंट. तो आई वेलकम ऑल द लेडीज, दे शुड ज्वाइन दिस इंडस्ट्री, बिकॉज दिस इवेंट इंडस्ट्री इज वेरी सिक्योर्ड, वेरी We are the backbone of events. We make this happen.
We've been kicked down, but we will get back up. Our focus is razor sharp. The show must go on. Events are where communities celebrate and people need community. We will be ready. Today, the arena is empty, but it will be full again, and we will be ready. It's quiet now, but it will be loud again, and we will be ready. It's dark today, but there will be light again. We will return, stronger than ever, recentered, reconnected, redefined. This is temporary. We will overcome. Live, a platform to sharing your thoughts.